परम शांति बाबू जी। बाबू जी, आज आप हमें क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स के बारे में पूरा ज्ञान बताने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। कैसे ये ब्रह्मांड कैसे बना, उसकी शुरुआत कैसे हुई, और जो आपने दिव्य दृष्टि से देखा है वो आप हमें आज बताइए। देखो, जो मल्टीवर्स है वो एक्चुअली कितना बड़ा है पहले एक समझ लो जी। हमारा जैसे एक छोटा सा सोलर सिस्टम है जिसको हम एक ब्रह्मांड कहते हैं जी। तो एक ब्रह्मांड माना, एक सोलर सिस्टम माना एक प्रकाश वर्ष जी। उसको शिव ने बनाया जी। शिव क्रिएटर है ब्रह्मांड का जी। ऐसे अरबों शिव, अरबों ब्रह्मांड बन के एक महाब्रह्मांड बनता है जिनको हम गैलेक्सी कहते हैं जी। तो अरबों गैलेक्सी मिलके एक यूनिवर्स बनते हैं जी। उनको हम यूनिवर्स में खरबों गैलेक्सियाँ होती हैं। तो ऐसे साइंस बता रहे हैं कि यूनिवर्स कितने हैं, मल्टीपल यूनिवर्स कितने हैं। उन्होंने बताया कि सागर के किनारे रेत के दाने गिन सकते हो तुम जी? नहीं। ऐसी तरह जो यूनिवर्स है वो इतने यूनिवर्स हैं, 10^500, 10 के पीछे 500 जीरो लगा दो, इतने यूनिवर्स होते हैं और ये यूनिवर्स में तुम गिन नहीं सकते। तो देखो, अभी जिनको हम मल्टीवर्स यूनिवर्स कहते हैं, मल्टीपल यूनिवर्स कहते हैं, मल्टीवर्स कहते हैं, तो आज मैं क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स बताऊंगा। क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स, तो उसका मालिक जो है, क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स का जो मालिक है जी, हम जैसे उसको कहेंगे कि वो पर 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 ब्रह्म जी, परम 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 महाशिव है। जैसे शिव है महाशिव है, परम महाशिव है, ऐसे परम 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 महाशिव है जी। इसलिए हम उसको कहेंगे, इसको एक समझाने के लिए उसकी पावर की, तो सौ कला, जैसे कला होता है आत्मा की शक्ति जी। कला माना गुण, कला माना गुण होता है। जब गुण कब, आत्मा में गुण कब होता है? जब आत्मा में पावर होता है। जब आत्मा में पावर होता है तब गुण होते हैं। जब आत्मा में पावर कम हो जाते हैं तो गुण कम हो जाते हैं, और आत्मा में पावर खत्म हो जाता है तो आत्मा गुणहीन बन जाती है, गुण नहीं होती जी। इसलिए यहाँ जो ये मल्टीवर्स का क्रिएटर है जी, उसको हम परम 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 इतनी स्टेज है तो परम रेस टू 100 महाशिव कहेंगे। क्या कहेंगे जी? परम रेस टू 100 महाशिव जी। इतनी उसकी पावर है, पावर की पावर की बताएंगे। तो ये वो निराकार था, वो जब रचना रची तब उससे पहले एक निराकार था, पावर का लाइट था, पावर का गोला था, परम लाइट का गोला था, परम लाइट भी परम प्रकाश था, और उसको हम सौ कला का ब्रह्मांड कहेंगे। उसको हम सौ कला का ब्रह्मांड, तो सौ कला का ब्रह्मांड उसने कैसे बनाया, सौ कला का ब्रह्मांड माना मल्टीवर्स कैसे बनाया? वो एक पावर का गोला था, उसके अंदर होती है लाइट और बाहर की साइड में होती है माइंड। तो जो लाइट होती है वो परम प्रकाश होता है, परम प्रकाश होता है, और उसके आसपास परम प्रकाश के रेज जहां तक जाते हैं, परम प्रकाश के रेज जहां तक जाते हैं जी, उसको हम कहेंगे माइंड जी। तो जो माइंड होती है वो महातत्व की होती है, महातत्व, ये परम प्रकाश वाले महातत्व की बनती है। तो महातत्व माना माइंड माना शक्ति जी, माइंड माना शक्ति। जैसे शिव और शक्ति होती है जी, ऐसी तरह ये शिव माना लाइट जी, माना सौ कला का शिव जी और सौ कला की शक्ति जी। उसने सोचा मैं सर्जन करूं जी, मैं सर्जन करूं। तो उसने एक अपने अंदर से 5% पावर लेकर एक महापावर का एक गोला की रचना की, उसके द्वारा उसने रचा है, उसके द्वारा उसने तीन रचना की। तो हम अभी भारत के शास्त्रों में जो शब्द लिखा है ना, तो शिव ब्रह्मा द्वारा सर्जन करता है,
तो यहाँ जिसके द्वारा सृजन करा था तो उसको हम ब्रह्मा कहेंगे, मगर हम यहाँ ब्रह्मा की कैटेगरी की थी परम रेस्ट 200 ब्रह्मा, क्योंकि हम अब 100 कला का ब्रह्मांड बनता है तो ब्रह्मा की कैटेगरी कितनी हो गई, 100 गुनी परम 100 गुना ब्रह्मा, क्योंकि एक ब्रह्मांड का भी ब्रह्मा है, गैलेक्सी का महाब्रह्मा है, यूनिवर्स में परम महाब्रह्मा है, तो ये परम 100 गुना ब्रह्मा हो गया, इसलिए इसके द्वारा सज्जन जाएंगे तो त्रिमूर्ति बनाते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं, तो यह त्रिमूर्ति की रचना करता है, तो ये हो गया 100 कला वाला शंकर, 100 कला वाला विष्णु, और ये हो गया 100 कला वाला ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा हुआ उसकी रचना का रचना, ये ओरिजिनल ब्रह्मा, ये रचना के रचना ब्रह्मा। बाबू जी यहाँ पे आपको एक सेकंड रोकना चाहूँगा, मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो आप बता रहे हैं तो क्या ये साइंस आज की डेट में देख रहे हैं, ये विजिबल यूनिवर्स के बारे में आप बता रहे हैं? अब साइंस तो वहाँ तक मल्टीवर्स तो देख ही नहीं पाएगा, मगर उन्होंने बताया कि एन पर एन थियरी इतने यूनिवर्स हो सकते हैं, तो आप जो बता रहे हैं ये स्पिरिचुअल यूनिवर्स जो कि आज की डेट के साइंटिस्ट जो है वो नहीं देख सकते, उसकी आप बात बता रहे हैं? मैं ये बात बता रहा हूँ जो ऑलमाइटी अथॉरिटी ने मुझे योग से दिव्य दृष्टि से मुझे दिखाया वो बात कर। तो बापूजी ये जो बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके साथ मुझे ये भी जानना है कि क्या ये विजिबल होंगे, साइंस वाले दिखा, जब साइंस के साधन परम तत्वों के बनेंगे जी, परम प्रकाश के साधन होंगे जी, तभी सब विजिबल हो जाएगा। ओके, और दूसरी बात ये कि क्या ये जो बिग बैंग थियरी जो साइंस बता रही है, क्या ये इसका एक ये तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हुआ था, परम लाइट मतलब लाइट निकली, गोले निकले, विस्फोट हुआ और ये ब्रह्मांड बना, लेकिन आपने ये स्पिरिचुअल थियरी के हिसाब से बताया है कि ये क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स जो है उसका रचयिता है और वो बहुत सिस्टमेटिकली उसकी रचना हुई है, और आप इसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। देखो अभी बिग बैंग थियरी के बारे में उन्होंने यूनिवर्स के बारे में जी, जो बिग बैंग थियरी से यूनिवर्स बना, अच्छा यूनिवर्स बना, इसके बारे में कैसे बना वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, साइंस वालों ने एक्सप्लेन नहीं किया, मगर इन्होंने बताया कि एच पर एम थियरी यूनिवर्स कितने होंगे, तो 10^500 यूनिवर्स है, 10^500 यूनिवर्स कितने, 10^500 लगा दो इतने यूनिवर्स हैं, मगर मुझे ऑलमाइटी अथॉरिटी ने जो मुझे दिखाया वो मैं दुनिया को सामने बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं आगे बता रहा हूँ। जी जी जी, तो जैसे साइंस के साधन भी डेवलप हो रहे हैं, आज से 50-100 साल पहले साइंस के साधन कितने डेवलप हो रहे थे, नहीं हो रहे थे, तो साइंस के साधन जब डेवलप होते हैं, धीरे धीरे डेवलप होते हैं, तो ऐसी तरह आगे चलकर जब साइंस के साधन जब डेवलप होंगे तो आगे चलकर बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, इसलिए साइंस के जो साधन डेवलप होने वाले हैं, आगे चलकर साइंस के साधन होने वाले हैं, तब ये आपको क्लियर विजन दिखाई देगा, और आगे चलकर मनुष्यात्मा में भी इतनी पावर आएगी, मनुष्यात्मा भी बदलने वाली है, पूरा मल्टीवर्स बदलने वाला है, ऑलमाइटी अथॉरिटी पूरा मल्टीवर्स को बदलने जा रहा है जी, तो मैं आपको अभी पहले क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स कैसे बना उसका बताऊं जी। अब ये तीन त्रिमूर्ति कहते हैं जी, ब्रह्मा विष्णु शंकर, मगर वो 100 कला वाला है जी, और उन्होंने 9 रचा, एक ने 3 रचा, एक ने 3 रचा, तो 3 में से 9 रतन बन गए जी, ये 9 रतन बन गए। अब 9 रतन द्वारा उन्होंने 27 को मल्टीप्लाई 3 में होते हैं, तो 27 को उन्होंने बनाया, तो जो 27 की बात है तो उनको 27 को क्रिएट करके डायरेक्शन दिया कि तुम स्पेस बनाओ जी, कोई भी चीज बनानी होती है, जैसे कोई ब्रह्मांड महाब्रह्मांड या घर भी बनाना हो तो लौकिक में तो एक स्पेस बनाते हो, स्पेस का घेराव करते हो, इतनी बाउंड्री बनाते हो, तो 27 ने मिलकर एक स्पेस की बाउंड्री बनाई, 27 ने मिलकर एक स्पेस की बाउंड्री बनाई, तो ये 27 ने मिलकर ये एक स्पेस की बाउंड्री बनाई थी, और ये स्पेस को इन्होंने फिर ये सील कर दिया, ये स्पेस को सील कर दिया, यहाँ उसके अंदर मल्टीवर्स क्रिएट होगा, तो जो मल्टीवर्स क्रिएट होगा अब ये 27 हो गए, ये 9 रतन हो गए, मगर उसकी कैटेगरी है 100 कला का 9 रतन, 100 कला की 27, तो उसकी आत्मा की कैटेगरी कितनी होगी,
वो परम 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 लाइफ के होंगे, निराकार होंगे, परम 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 लाइफ के होंगे, तो कितने हाई क्वालिटी परमात्मा होंगे। इसको परमात्मा कहें, क्या कहेंगे? परम रेस्ट टू, इसको भी कहेंगे परम रेस्ट टू 100 आत्मा। साधारण आत्मा नहीं कहेंगे, परमात्मा भी कहेंगे परम 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 100 बार, तो परम रेस्ट टू 100 आत्मा थे ये। इतनी बड़ी पावर के साथ होते हैं। फिर इन्होंने 27 से मल्टीप्लाई करके 81 बनाए, मल्टीप्लाई 3 करके 81 बनाए, 81 होके फिर 81 से मल्टीप्लाई होकर 3 ऐसे 243 बनाए, ऐसे मल्टीप्लाई होते होते इन्होंने निराकारी दुनिया बनाई, जिसको हम परमधाम कहते हैं। निराकारी दुनिया को परमधाम कहते हैं। 27 आत्माओं ने जो स्पेस बनाई, 27 से मल्टीप्लाई 3 करके 81 हुए, 81 से मल्टीप्लाई 3 करके 243 हुए, जी बिल्कुल। ऐसे करके 100 कला से नीचे 10 कला तक, माना 90 कला तक, ये परमधाम बन गया, ये बन गया परमधाम। तो परमधाम में ये निराकारी आत्माएं 9 लाख अंदाजन बन गई। कितनी बनी? 9 लाख। 9 लाख निराकारी आत्माएं बन जाने से निराकारी आत्माएं 9 लाख बन गई। अब 9 लाख निराकारी हाई क्वालिटी परम परम आत्माएं हैं, तो वो अब और सर्जन करती है, तो और सर्जन करती है, तो ये 90 से 80 कला तक, 90 से 80 कला तक, और भी ये बन गया मूल वतन, ये बन पर परमधाम में बन गया मूल वतन। मूल वतन में ये 2 करोड़ आत्माएं बनती है, 2 करोड़ आत्माएं बनती है, तो 2 करोड़। अब वो निराकारी से आकारी बनने की प्रोसेस में आएंगे, निराकारी से आकारी बनने की प्रोसेस में आएंगे। तो जब निराकारी, एक आत्मा निराकारी है, उसके अंदर प्रोसेस में कैसे आएंगे? क्योंकि यहाँ तक परम धाम में भी एक वायुमंडल बना जी। परम धाम में क्या वायुमंडल बना? परम धाम में जब एक आत्मा दूसरी आत्मा, एक आत्मा है दूसरी आत्मा को क्रिएट करती है, रचना करती है, तो उसमें से जब पावर जाता है जी, तो पावर जाते जाते या पावर वायुमंडल में पावर भेज होता है जी। वो पावर परम प्रकाश, परम प्रकाश का पावर वायुमंडल चारों ओर भेज करता है संकल्पों द्वारा, या आत्माएं रची जाती है। तो जब संकल्प चलता है, आत्मा निकलती है, एक आत्मा दूसरी आत्मा को क्रिएट करती है, रचना करती है, तब यहाँ परम धाम में पूरा परम महातत्व बनता है। क्या बनता है? परम महातत्व, महातत्व बनता है, परम महातत्व बनेगा, ये परम महातत्व बनेगा। और ये मूल वतन में जब आता है तो धीरे 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 परम महातत्व से थोड़ी सी हल्की क्वालिटी की वायुमंडल बनता है, वो है परम आकाश तत्व, परम आकाश तत्व। तो 2 करोड़ आत्माएं हुई, 2 करोड़ आत्माएं, अब वो निराकारी से आकारी की प्रोसेस में है। कोई भी निराकारी आत्मा प्रोसेस में कैसे आती है? निराकारी से आकारी कैसे बनते? पहले निराकारी दुनिया पड़ी परम धाम में, फिर निराकारी से आकारी 90 से 80 कला के प्रोसेस में है। तो जब वायुमंडल बनता है, तो जो आत्मा है, आत्मा के आसपास एक महातत्व तो है, लाइट और माइंड आत्मा है। अब उसके ऊपर, जैसे ये आत्मा है कि उसके ऊपर घेरा, उसका वायुमंडल का लगेगा, ये महातत्व का घेरा लगेगा आत्मा के ऊपर, फिर धीरे धीरे परम प्रकाश का घेरा, परम आकाश का घेरा लगेगा उसके आसपास, घेरा लगेगा वायुमंडल में जो है, उसके आधार से उसका पिंड बनेगा, उसकी आत्मा के आसपास पिंड बनने लगेगा निराकारी से आकार। फिर जब और 60 कला में आती है, जब आत्माएं 60 कला में आती है, तो निराकारी से आकारी धीरे धीरे उसका ये 80 कला से 60 कला में 33 कोटि आत्माएं हो जाती, 33 कोटि माना करोड़ आत्माएं यहां बन जाती है चारों। तो वो आत्माएं अब आकारी बन गई, आकारी बन गई धीरे धीरे, यहां परम आकाश और परम वायु बना, यहां परम आकाश बना, यहां परम वायु, परम अग्नि बनी।
80 से 60 कला, 20 कला में परम आकाश से नीचे परम वायु और परम अग्नि में, तो ये तीन तत्वों की ये धीरे धीरे उसके ऊपर आती गई, परम वायु परम अग्नि ऐसे बनती गई। तो फिर वायु तत्व फ्लक्चुएट करती है, तो वायु तत्व फ्लक्चुएट करते करते उसका एक आकार बनने लगा है, एक आकार बनने लगा, तो निराकार से आकार ही बन गई। 33 कोटि देवताएं ऐसे आकार ही बने, इसका थोड़ा आकार बना, तो आकार ही देवता बने, निराकार से आकार ही बने। 33 कोटि देवता नहीं कहेंगे, देवता तो शब्द अच्छा नहीं लगता है, परम पुरुष है, क्या कहेंगे, परम पुरुष, परम परम पुरुष कितनी कैटेगरी, परम रेस टू 100 पुरुष, उसके अंदर कितनी पावर है। तो ये परम पुरुष जो बने उन्होंने अभी संकल्प चला, क्योंकि उसकी आत्मा के अंदर जो वायुमंडल में है वो उसकी आत्मा के आसपास आया, तो वायुमंडल उसके शरीर किसका बना, उसका आकारी शरीर बना, तो उसके आकारी शरीर में क्या है, परम आकाश परम वायु परम अग्नि। वो वहां का वायुमंडल कितना अच्छा है, परम 100% पावरफुल है, जैसे एक ब्रह्मांड का जो परम लाइट है तो वो परम लाइट 100 गुनी पावरफुल है, समझ में आया, जैसे शिव से 100 गुना पावर उसमें होता है, 100 गुना मतलब कहते हैं मगर बहुत बेहिसाब पावर होता है, एक शिव से बेहिसाब गुना पावर होता है, मगर ये तो कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो समझाने के लिए हमने 100 गुना 100 कला का ब्रह्मांड बोला। अब वो निराकारी से आकारी बने, तो यहाँ परम पुरुष थे, परम पुरुष ने अंदर जब शरीर बनता है तो शरीर के अंदर वायु तत्व आता है, तो वायु तत्व हलचल में लाता है, वायु तत्व हलचल में लाता है, क्या लाता है, वायु तत्व हलचल में लाता है, और हलचल में जब शरीर आता है बॉडी आती है तो हलचल में वो सारे तीन तत्व हलचल में आ जाते हैं, परम आकाश भी हलचल में आता है, तो उसकी आत्मा तक हलचल पहुंचती है, उसकी आत्मा तक हलचल पहुंचती है, और धीरे 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 उसके अंदर बॉडी के अंदर एक दिल बनता है, क्या बनता है, दिल कब आता है, दिल बनेगा, पहले दिल नहीं था, निराकारी से आकारी प्रोसेस में नहीं भी, अब दिल बनता है, उसका उसका मन तो पहले बना ना, पहले मन कब बना, जब निराकारी से संकल्प द्वारा उसको ऐसे हम संकल्प करें, तो जैसे उसने जो सोचा था कि हम भी सर्जन करें, तो उसने सोचा सर्जन किया, ब्रह्मा द्वारा त्रिमूर्ति बने, ब्रह्मा विष्णु शंकर बने, फिर नवरत्न बने, 27 बने, 27 ने स्पेस बनाई, फिर 81 बने, तो ये 27 और 81 जो मिलके होता है वो 108 है, जो 108 की प्रोसेस है वो आज तक जो हमारे ब्रह्मांड में आई है वो ऊपर से आई है, 108 का शब्द हमारे ब्रह्मांड में जो है वो यहाँ से आया है, न यूनिवर्स से आया है, न गैलेक्सी से आया है, क्योंकि गैलेक्सी ऐसी तरह नहीं बनी, न यूनिवर्स ऐसा तरह बना, यूनिवर्स अलग तरह के बना है, हमने ये क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स में बताया, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स में बताया, गैलेक्सी कैसे बनी वो भी बताया, ब्रह्मांड भी कैसे बना वो भी बताया, तो ये अलग अलग टाइप से बना, हर चीज अलग अलग टाइप से बनती, तो ये उसके संकल्प चला, संकल्प चला तो मन होता है, मन तो पहले आ गया, मन कब आया, निराकार पावर का एक गोला होता है, परम प्रकाश होता है, परम प्रकाश के अंदर मन कब आता है, निराकार के अंदर मन आता है तब संकल्प करता है, संकल्प करता है तब सोचता है, तो उसके ऊपर से ही मन आया तो संकल्प किया, सोचा, रचना की, और मन आया, फिर अब धीरे धीरे दिल आता है, परम पुरुष का दिल बना, दिल बना तो उसने सोचा मेरे अंदर से उसकी जो नेचर है उसका स्वभाव, नेचर बना स्वभाव, परम पुरुष का जो नेचर है स्वभाव है संस्कार है उसके हिसाब से अपने अंदर से परम पुरुष ने परम प्रकृति को बाहर निकाला, परम प्रकृति है, जैसे शिव ने अपने अंदर से शक्ति को बाहर निकाला, विष्णु ने अपने अंदर से लक्ष्मी को निकाला, ब्रह्मा ने अपने अंदर से सरस्वती को निकाला, ऐसी तरह ये इन्होंने ये सब निकाले। अब 33 करोड़ परम पुरुष, 33 करोड़ परम प्रकृति, 66 करोड़ हो गए, यहाँ से फिर मल्टीप्लाई होते होते बहुत बनते गए, ये 40 कला तक तो बहुत बनते गए, आते आते 40 कला, 60 से 40 कला तक आते आते बहुत बन गए, मल्टीप्लाई हो गए, बहुत ही मल्टीप्लाई हो गए, और मल्टीप्लाई होने के साथ साथ 60 कला से उन्होंने बड़े 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 ग्रेट 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 यूनिवर्स बनाने लगे, कैसे केवल यूनिवर्स नहीं बनाए, वो बड़े बड़े ग्रेट 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 यूनिवर्स बनते थे, और वो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स यहाँ 60 कला से बनने शुरू हो गए,
तो किसी ने एक ग्रेट यूनिवर्स बनाया, किसी ने दो ग्रेट यूनिवर्स बनाए, किसी ने हजारों बनाया, तो मल्टीपल होते गए। तो यहाँ भी मल्टीपल ग्रेट 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 यूनिवर्स होते गए, बड़े 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 ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स बने। फिर जब यहाँ संख्या बढ़ती गई, पॉपुलेशन बढ़ती गई, परम पुरुष की संख्या बहुत बढ़ गई, तब इतने ब्रह्मांड बनाते गए, बनाते गए, बनाते गए, बनाते गए, बनाते गए, तो बेहिसाब ब्रह्मांड बनाने गए 40 कला से। फिर आते आते समझो कि 20 कला पे आए, तो यहाँ भी ब्रह्मांड चारों ओर ग्रेट 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 यूनिवर्स जिसको कहेंगे, ग्रेट 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 यूनिवर्स, बहुत संख्या बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, मगर उसकी परम तत्व नीचे आते गए तो परम तत्वों की क्वालिटी में परम तत्वों की क्वालिटी में फर्क। तो जो 40 कला या 60 कला के बीच में जो परम तत्वों की क्वालिटी थी वो बहुत हाई थी, धीरे धीरे परम तत्वों की क्वालिटी में नीचे, यदि जितना सर्जन करते जाओगे उतने परम पुरुष के अंदर से पावर जाएगा, परम पुरुष से पावर जाएगा थ्रू अपनी प्रकृति, थ्रू सर्जन करते, जब सर्जन करना होता है परम पुरुष को, जब सर्जन करना होता है तो अपनी जो प्रकृति बाहर है उसको समाकर अपने दिल में लगा जाती है, फिर सर्जन करते हैं। जैसे शिव शक्ति अर्जुन आदेश बन के कोई किसी का सामना करते हैं ना, असुर को मारना हो, अगर आपने देखा हो किसी असुर को मारना हो तो शिव शक्ति अर्धनारेश्वर होकर उसका असुर को मार सकते हैं, अकेला शिव नहीं मार सकता ना शक्ति मार सकता। ऐसी तरह सर्जन करते गए मल्टीपल बनता गया धीरे 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 करके 0 कला में आ गए। कितने में कला में आ गए? ये 0 कला में आ गए। 60 कला में भी है ब्रह्मांड, 40 कला में भी ब्रह्मांड है, 20 कला में भी है, और 0 कला में आ गए सारे ब्रह्मांड नीचे गिरते गए और सर्जन करते गए, सर्जन करते गए। तो क्यों क्यों गिरते गए? क्योंकि परम तत्वों की क्वालिटी में फर्क पड़ता गया, बेहिसाब रचना करते गए, बेहिसाब सर्जन ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स का होता गया, तो 0 कला में। अब 0 कला में आना, 100 कला से 0 कला में आना, 100 कला से 0 कला में आना माना परम तत्वों की क्वालिटी में इतना डाउनफॉल आएगा कि 0 कला से नीचे आएंगे तो परम तत्वों में तत्वों की मात्रा थोड़ी थोड़ी ऐड होती जाएगी। अब 0 ये -10 कला है, ये -10 कला, -20 कला, -30 कला, ये -40 कला, ये -50 कला, ये -60 कला, ये -70 कला, ये -80 कला, ये -90 कला और ये -100 कला। आज हमारा जो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स है -100 कला में, -100 कला में। तो यहाँ से परम तत्वों की क्वालिटी में क्या फर्क पड़ा? परम तत्वों की क्वालिटी में ये फर्क पड़ा कि यहाँ परम तत्वों के 10% परम तत्व, 10% तत्व बने और 90% परम तत्व, मतलब 10% माइनस डेफिसिट क्या परम तत्वों में तत्व परिवर्तन नहीं हुआ, तो -10 कला परम तत्वों में डेफिसिट हुई। फिर यहां -20 और यहां 80, तो यहां 20% तत्व बने, 20% तत्व बने, और तत्व माने आकाश वायु अग्नि तीन तत्व, हाँ परम तत्व माना परम आकाश परम वायु परम अग्नि उसको परम तत्व कहेंगे, और तीन तत्व माना आकाश वायु वायु और अग्नि परम निकल गया। तो वहां पे क्या था, ये परम तत्वों की दुनिया थी पहले, हाँ पहले परम तत्वों की दुनिया थी। जैसे भी यूनिवर्स आप देखो 9 कला से ऊपर जो यूनिवर्स है 16 कला का है जी, जब 16 कला का यूनिवर्स बना तो 9 कला तक परम तत्वों की दुनिया थी, 9 कला से नीचे 8 कला से ही 0 कला तक आए तो तत्वों की दुनिया बनी जी। हर कोई जैसे ब्रह्मांड में बनता है तो पहले परम तत्वों का बनता है जी, बाद में धीरे धीरे नीचे गिर जाती है तब तत्वों का बनता है। तो यहाँ तत्व -30, 70, 40, 60, 50, 50, तो तत्वों का कॉम्बिनेशन बदलता गया 40, 70, 30, 80, 20, 90, 10। तो धीरे धीरे परम तत्व कम होते गए और तत्वों का कॉम्बिनेशन हुआ, मगर -30 कला के बाद और धीरे धीरे जल और मिट्टी उसकी बॉडी में आने गई, वायुमंडल में भी जल और मिट्टी बनती गई
तो जो जो रचना थी, जो जो रचिए था, उसके अंदर भी जैसे परम पुरुष की बॉडी है, उसकी बॉडी भी 2% जल मिट्टी आए, फिर 5% आए, फिर नीचे गिरते गए, तो धीरे 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 जल और मिट्टी भी प्रभाव बनता गया। तो शरीर कैसे बनते गए, पहले मनुष्य बनते गए, 5 तत्वों की दुनिया बनती गई, धीरे धीरे माइनस हो कला में 5 तत्वों की दुनिया बनती गई, और 5 तत्वों की दुनिया के अंदर सब मृत्यु लोक में आ गए, सब तो अमर लोक खत्म हो गया, जो अमर लोक था वो मृत्यु लोक हो गया। अब ये ब्रह्मांड धीरे 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 करके नीचे आ गया, पूरा अब ऊपर कुछ नहीं रहा, सारा ब्रह्मांड 0 कला से माइनस हो कला, सारा ब्रह्मांड 0 कला से माइनस हो। तो 0 कला से माइनस 6 कला में जब आता है, पूरा सब नीचे उतर गया, सब धीरे धीरे नीचे उतरते गए। जब 0 कला से माइनस 6 कला में आते हैं, तो वो ब्रह्मांड का जो मालिक है जी, वो उसको बदलने के लिए बहुत कोशिश करता है, 6 कला वाला जो मालिक है बदलने की बहुत कोशिश करता है, मगर जब उसके धीरे धीरे पावर ही बदलने के लिए पावर चाहिए, अब उसके अंदर भी पावर लॉस होता है, अल्टीमेट तो पावर उससे कहीं है, धीरे धीरे करके उसमें भी पावर लॉस होता है, वो भी नीचे आता है अपना निराकारी से आकारी रूप निकालकर, माइनस यहाँ 40 कला कर आकर खुद यहाँ बहुत कोशिश करता है, कई अवतार लेता है, खुद कई बार अवतार लेते हैं, तो कई बार अवतार लेते हैं, लेकिन बाद में जब ये बदल नहीं पाता, तो ये 100 कला वाला ब्रह्मांड, जैसे शिव सूर्य में, जब शिव में पावर नहीं रहती तो शिव सूर्य में प्रवेश करके कालग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समा कर खत्म कर देता है, ऐसी तरह महाशिव गैलेक्सी मना आकाश गंगा को महाशिव महाकाल प्रलय करके महाकालग्नि पैदा करके पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है, ऐसी तरह 100 कला का मालिक ने पहली बार, पहले उसने ये पूरे ब्रह्मांड को, अपनी पूरी एनर्जी को अंदर सम, पूरे ब्रह्मांड को अपने समा लिया, तो मगर उसके अंदर नेगेटिविटी आएगी, उसके अंदर नेगेटिविटी आएगी, अब उन्हें चारों ओर जो पावर था वो भी सोच लिया, पावर और सोच लिया, बहुत पावर सोच लिया, फिर दोबारा उसने थोड़ी एनर्जी आई जो उसको थोड़ा 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 रिफाइन किया, क्योंकि यहाँ 4 वायुमंडल ही, यहाँ वायुमंडल में भी, क्योंकि ऐसे तो खरबों मल्टीपल यूनिवर्स है, ऐसे खरबों मल्टीपल यूनिवर्स हैं, मल्टीपल वर्स हैं, तो ऐसे उसने वायुमंडल से भी थोड़ी एनर्जी ली और फिर दोबारा इसने ब्रह्मांड बनाया, कैसे, जैसे दोबारा आकाश गंगा बनाती है ब्रह्मांड बनाते हैं, शिव दोबारा ब्रह्मांड बनाते हैं, महाशिव दोबारा गैलेक्सी बनाते हैं, ऐसी तरह उसने दोबारा एक ब्रह्मांड बनाया, ऐसी तरह सेम। तो हमारा आज जो ब्रह्मांड है 100 कला वाला, हमारा 100 कला वाले ब्रह्मांड में हम माइनस 100 कला में बैठे, कहाँ बैठे, माइनस 100 कला, इसे ऊपर -90 कला, -80, -70, -60, -50, -40, ऊपर जाओगे तो थोड़ी थोड़ी परम तत्वों की क्वालिटी बढ़ेगी, मगर आज का जो ब्रह्मांड है, आज का हमारा जो ब्रह्मांड है, अब 0 कला से 10 कला से नीचे आ गया, कहाँ, आज का ब्रह्मांड जो जिसको मल्टीवर्स कहते हैं, आज का जो मल्टीवर्स है कहाँ से है, -10 कला से -100 कला तक आज का मल्टीवर्स इतना रह गया, मगर ये तो बहुत बड़ा दिखाया है, मगर टोटल ओवरऑल देखा जाए तो एकदम छोटा है, इसकी कंपैरिजन में देखा तो ये आज का जो मल्टीवर्स है एकदम छोटा है, कितना, ये तो आपको समझाने के लिए बताया, बाकी ये जो मल्टीवर्स है उसमें एकदम छोटा है, तो अब समझ में आ गया ना कैसे, एक दोबारा रिपीट करें कि ये जो मल्टीवर्स का जो क्रिएटर है, 100 कला का ब्रह्मांड का मालिक लाइट और माइंड है, उसने सर्जन किया, जिसको हमने टाइटल समझाने के लिए ब्रह्मा बोला, ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा विष्णु शंकर क्रिएट की, हम इसलिए लेते हैं कि हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं, गैलेक्सी आकाश गंगा में महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव होते हैं, परम महाशिव यूनिवर्स में होते हैं, तो आगे परम 100 गुना लगा लो, परम रेस्ट 100 आत्मा की कैपेसिटी होती है, परम लाइट होती है, तो धीरे 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 ये नवरत्न बनाता है, 27 से स्पेस बनाता है, फिर 81 करता है, 81 से मल्टीप्लाई करते 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 9 लाख परम धाम में होते हैं, वहाँ निराकारी दुनिया होती है, परम धाम में 9 लाख निराकारी दुनिया होती है, 9 लाख से 2 करोड़ मूल वतन में बनता है, तो जैसे बीज में से अंकुर फूटता है, कोई भी बीज होता है, जैसे कोई भी बीज है तो बीज में से अंकुर फूटता है, ऐसी तरह मूल वतन से आत्माओं में चारों परम प्रकाश या परम लाइट परम वायु परम अग्नि बॉडी के अंदर आता गया, ऐसे निराकारी से आकारी बनने लगा, अब जब निराकारी से आकारी बनने लगा
निराकारी से अकारी बनने लगा, तो 60 कला से यहाँ से ब्रह्मांड बनाना शुरू हुआ। उन्होंने बड़े बड़े ग्रेट 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 यूनिवर्स बनाए। तो बाबू जी, ये जो आपने ये जो एक छोटा सा सैंपल दिखाया है, तो क्या ये कितने ऐसे कितने होंगे? ऐसे जो मल्टीवर्स जो कहते हैं जी, ऐसे खरबों मल्टीवर्स है। 100 कला के ब्रह्मांड खरबों है। खरबों मल्टीवर्स, ये तो आप सिर्फ एक की बात बता रहे हैं, ऐसे तो खरबों है। ऐसे खरबों है। ओके। क्यों? क्योंकि ये बेहद का रचयिता है ना जी, बेहद का बाप है, बेहद का रचयिता है जी, और वो हमारे ब्रह्मांड में आकर काम कर रहा है, पूरे मल्टीवर्स को बदल रहा है। तो ये क्या करेगा अभी, जहां जहां भी, जहां जितने सोलर सिस्टम देखो जी, जहां जहां भी आप सोलर सिस्टम देखते हो ना जी, एक गैलेक्सी में करीबन 800 अरब से 1000 अरब तक सोलर सिस्टम है जी। तो हर सोलर सिस्टम में एक से ज्यादा धरती है, ग्रह जी, धरती जैसे ग्रह। तो हर धरती में हर ब्रह्मांड, एक सोलर सिस्टम में ब्रह्मांड। तो यहाँ स्थूल वतन माना स्थूल पांच तत्वों की दुनिया है, सूक्ष्म वतन है और मूल वतन और परमधाम है जी। तो जहां जहां मिट्टी की दुनिया है जी, तो ऐसे कितनी मिट्टी की दुनिया होगी, ये मल्टीवर्स में कितनी मिट्टी की दुनिया होगी, मगर दूसरे मल्टीवर्स में कहीं भी मिट्टी की दुनिया नहीं है। दूसरे जो मल्टीवर्स बनाए हैं उनके मालिकों ने जी, कहीं भी मिट्टी की दुनिया नहीं है जी। इसने अलग तरीके से बनाया जी, जब ये अलग तरीके से बनाया, उसका बनाने का तरीका अलग था जी, इसलिए ये धीरे धीरे गिरकर मिट्टी की दुनिया में। दूसरे मल्टीवर्स वालों ने अलग तरीके से बनाया जी, उसका कंट्रोलिंग सिस्टम बहुत अच्छा था जी, इसलिए कहीं भी मिट्टी की दुनिया नहीं बनी। वहाँ हमेशा परम तत्व है, परम तत्व माना अमर रूप, कहीं भी मृत्यु की दुनिया। तो वहाँ बापू जी सिर्फ प्रकाश और प्रकाश की ही दुनिया है, परम तत्वों की दुनिया। परम तत्व माना परम प्रकाश जी, परम प्रकाश ही कहेंगे, परम तत्व कहेंगे, परम वायु, परम अग्नि, परम प्रकाश की दुनिया जी। तो ये थोड़ा एक्चुअली जो ये 100 कला का जो ब्रह्मांड, हम इसको कहेंगे जो 101 कला जो मालिक है, 101 कला वाला जी, उसने 100 कला के खरबों ब्रह्मांड बनाए। कितने? इसका क्रिएटर है, 100 कला वालों का क्रिएटर 101 कला वाला कहेंगे, एक से समझाने के लिए कहते हैं जी जी जी। 101 कला वाला जी 100 कला के खरबों ब्रह्मांड को क्रिएटर है। ओके। तो सभी क्रिएटर जब उनको हेल्प चाहिए तो मांगते हैं, ये कभी इसको हेल्प नहीं मांगता, किसी से सब रिलेशन नहीं है। पहले तो जब ये ब्रह्मांड बनाया तो सब अलग तरीका बनाया, दूसरे ब्रह्मांड वाले उसके ब्रह्मांड को देखने आते थे। हाँ, कहते तुमने तो बहुत बढ़िया बनाया, सभी ने अलग बनाया, तेरा ब्रह्मांड बहुत बढ़िया बनाया। तो बाबू जी, हमारा ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा जो पृथ्वी जिस ब्रह्मांड में है, जिस मल्टीवर्स के अंदर, वो कैसा है? बहुत छोटा है। हमारा मल्टीवर्स की बात है, ये हमारे मल्टीवर्स की बात, हमारे मल्टीवर्स की बात करते हैं जी। दूसरे मल्टीवर्स में हमारा जैसा नहीं है, वो तो परम तत्व का, कहीं भी एक तत्व की दुनिया नहीं है, एक परसेंट भी परम तत्व, परम तत्व लॉस नहीं हुआ, एक परसेंट भी तत्व नहीं है। राइट। वहाँ 100% परम तत्व है। जैसे एक बात बताऊँ आपको, ये जैसे ये 101 कला की दुनिया है, उसका ये 101 कला का मालिक है जी, और जैसे 100 कला वाले खरबों ब्रह्मांड ढूंढ रहे हैं जी, 100 कला वाले खरबों ब्रह्मांड घूम रहे हैं जी, जिसमें हमारा तत्व एक ब्रह्मांड ये है समझो, ठीक है। तो ऐसे खरबों ब्रह्मांड घूम रहे हैं चारों, जैसे गैलेक्सियां घूम रहे हैं यूनिवर्स में, यूनिवर्स घूम रहे हैं ग्रेट यूनिवर्स में, ग्रेट यूनिवर्स घूम रहे हैं। तो ये जो ब्रह्मांड उसने बनाया सबसे अलग था, और बाकी यहाँ जो वायुमंडल है ना, यहाँ वायुमंडल, वायुमंडल भी परम तत्व का है। ओके। वायुमंडल भी परम तत्व का है, इसलिए वायुमंडल यहाँ चारों ओर, तो वायुमंडल वो भी परम तत्व। तो मतलब ये है कि जो अभी 101 कला का ब्रह्मांड आप बता रहे हैं, ये पूरा पूरा सर्कल ये अभी तक विजिबल नहीं है इस साइंटिस्ट, वो तो बहुत दूर की बात है, वो तो अंत में ऐसे बड़े साइंस परम प्रकाश के साधन होंगे तब दिखाएंगे, अंत में बहुत बड़ी बेहद का विश्व दिखाएंगे, साइंस वाले भी दिखाएंगे, मगर आगे चलकर जब परम, आगे मैंने बोला ना आने वाली नई दुनिया, विजन दिया ना, क्या दिया? 2050 का वीडियो है, 2050 का जो नई दुनिया आएगी जी, 2050 की जो दुनिया में नया विजन आएगा जी, तो सबके पास, सभी आत्माएं, आज जो मनुष्य आत्मा है वो सब उसके पास परम तत्व की दुनिया होगी, और जब परम तत्व की दुनिया होगी, सभी के पास परम तत्व की होगी, तो उसके आत्मा परम प्रकाश की होगी, तो आत्मागत शक्ति आएगी, आत्मा के पास दिव्य दृष्टि आएगी, तीसरा नेत्र खुलेगा जी, तब आत्मा ही खुद देख पाएगी। तो बाबू जी, हमारा ये ब्रह्मांड ऐसा क्यों, क्यों हमारे में लॉस हो गया, क्यों पावर ऐसे, इसने बनाया अलग तरीके से। हाँ, तो ऊपर पावर धीरे धीरे थोड़ा छोड़ते आए, छोड़ते आए, छोड़ते आए, पावर थोड़ा ऊपर छूट गया जी, इसलिए पावर ऊपर छोड़ते आए, नीचे आते गए, नीचे आते गए, पावर चारों, पावर थोड़ा थोड़ा बढ़ा है जी, और पावर ऊपर लॉस, पावर लॉस हो गया जी, इसलिए पावर लॉस नहीं होता। दूसरे जो बनाते हैं अलग है, दूसरे अलग अलग तरीके से बनाते हैं जी, तो कंट्रोलिंग सिस्टम बीच में होती, चारों घूमते रहते हैं जी, जैसे हमारी गैलेक्सी जी,
तो भी फिर भी देखो एक और बताएंगे, कोई और क्वेश्चन हो तो पूछना हो तो पूछ लो। क्या बाबू जी सारे यूनिवर्स अब नीचे आ गए? हम उसको केवल यूनिवर्स नहीं कहेंगे, मल्टीवर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? मल्टीवर्स, सारे मल्टीवर्स कहेंगे। इसमें जो ये जो -10 कलाम से -100 कलाम है उसमें जो है सारे बड़े बड़े मल्टीवर्स है, मतलब सॉरी मल्टीपल ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स है, सॉरी ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स। ये मल्टीवर्स में आज जो भी है ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स है, जैसे खरबों गैलेक्सी मिलके एक यूनिवर्स बनता है जी, ऐसे खरबों यूनिवर्स बन के एक ग्रेट यूनिवर्स बनता है जी, ऐसे खरबों ग्रेट यूनिवर्स बन के एक ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स बनता है, ऐसे बड़े बड़े ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स और सारे नीचे आ गए। हम -100 कलाम में बैठे जी, अब -100 कलाम में जब हम बैठे हैं तो हमारा जो यूनिवर्स में देखो, हमारा जो यूनिवर्स, आप एक एग्जाम्पल दो हमारा यूनिवर्स में क्या है जी। जैसे हमारा आज आप समझो हमारा यूनिवर्स ले लो उसको, हमारा यूनिवर्स समझ लो ठीक है। हमारा यूनिवर्स का मालिक क्या? 0 कलम, ये 0 कलम का यूनिवर्स है हमारा जी। तो यहाँ मालिक बैठा है, ये सारी गैलेक्सियां घूम रही है जी, खरबों गैलेक्सियां घूम रही है। इन्होंने तो ये हमारे यूनिवर्स का तो एक छोटा सा पोर्शन जी, 156 अरब प्रकाश वर्ष जो एक छोटा सा पोर्शन इन्होंने जी कैमरे में आए उनके जो अच्छा उनके कंप्यूटर में लिया है इन्होंने, छोटा सा पोर्शन कितना 156 बिलियन लाइट ईयर ये जो उनको विजिबल है, 156 बिलियन लाइट ईयर्स वो विजिबल है साइंस में, साइंस में विजिबल है, मगर पूरा फिर भी उन्होंने कंप्यूटराइज नहीं किया। अभी उन्होंने जो कंप्यूटराइज किया है वो 93 बिलियन लाइट ईयर्स किया है, उसमें मोर देन 200 गैलेक्सी, मोर देन 200 बिलियन गैलेक्सी उन्होंने रिकॉर्ड किया, मगर कहते हैं बड़ी गैलेक्सी आई है छोटी गैलेक्सी, तो ये सब बेअंत है। बेअंत इसलिए क्या बोला, बेहद की दुनिया, क्या बेहद की दुनिया, बेहद का विश्व जी, बेहद की दुनिया, बेहद का विश्व, जहां बेहद का शब्द आता है उनका कोई अंत नहीं होता। तो वो ही बेहद का बाप, किसको कहते हैं बेहद का बाप, माना अल्टीमेट गॉड, माना ऑलमाइटी अथॉरिटी, बेहद के विश्व का मालिक, बेहद के विश्व का क्रिएटर, वो ये पूरा मल्टीवर्स को चेंज करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया बात है बाबू जी, पूरा मल्टीवर्स चेंज होगा, जहां जहां भी तत्वों की दुनिया है, जहां मिट्टी की दुनिया है वो परम तत्वों की दुनिया बनेगी जी, पूरी गैलेक्सी की गैलेक्सी, पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है वो जो तत्वों के हैं वो परम तत्वों में बन जाएंगे। तो परम तत्वों के जब बनेंगे तो पूरा मल्टीवर्स नया बन जाएगा। तो बाबू जी जो ये मनु सत्रुपा या स्थूल दुनिया की जो बात करते हैं वो किस समय की बात है? अब देखो, अब तुम्हें नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा ये समझने के लिए। मनु सत्रुपा तो धरती के मनुष्य सृष्टि के बीज हुए, कौन हुए मनु सत्रुपा, कौन है ये मनु सृष्टि के बीज हुए। तो मनु सृष्टि के जो बीज है मनु सत्रुपा, वो सत्य तेता द्वार पर कई उपचार युग में आते हैं और उसकी मनु सृष्टि खत्म हो जाती है, उसका मनवंतर कहते हैं, युगांतर में अर्ध प्रलय होता है, मनवंतर में प्रलय होता है। तो ये तो हमारे धरती की बात है ना, ऐसी तो एक गैलेक्सी में कितनी धरतियां होंगी, बेअंत होगी ना। एक गैलेक्सी में साइंस वाले बता रहे हैं कि हमारी जो गैलेक्सी में मोर देन 800 अरब, कितना 800 अरब सोलर सिस्टम है जी। तो हर सोलर सिस्टम में धरतियां मोर एक से ज्यादा धरतियां हैं, तो गैलेक्सियों में कितनी धरतियां होगी, कितने सूर्य है, 800 अरब सूर्य है, तो कितनी धरतियां होगी जी, बेहिसाब है। और एक एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड, तो 800 अरब ब्रह्मांड माना 800 अरब सिंह बराबर एक महाब्रह्मांड, एक गैलेक्सी आकाश गंगा, ऐसी तरह खरबों आकाश गंगा एक यूनिवर्स में। तो आप बता रहे बेअंत है ना दुनिया, बेअंत है, उसका समय कैसे निकालोगे? जब जैसे ब्रह्मांड का एक छोटे यूनिट है ब्रह्मांड, सबसे छोटा यूनिट क्या है ब्रह्मांड, अब छोटे ब्रह्मांड का यूनिट का एक ब्रह्मा का एक दिन बराबर धरती पर 8 अरब 64 करोड़ साल होता है, कितना 1000 युगांतर होता है जी, धरती पर 1000 युगांतर होता है, चार युग 1000 बार घूम जाता है। तो ब्रह्मा के एक दिन में इतना होता है, तो ब्रह्मा का 100 साल एक ब्रह्मा का 100 साल बराबर एक ब्रह्मांड की आयु, ऐसी तरह महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल,
जैसे साइंस वाले भी ढूंढ रहे थे कोरिलेशन बिटवीन टाइम स्पेस एंड स्पीड, समय किस हिसाब से बनता है, मैंने एक वीडियो में बताया समय किसके हिसाब से बनता है, स्पेस किसके हिसाब से बनी, ये स्पेस बनाई ना जी, तो पहले स्पेस बनाई जी, फिर वहां से समय शुरू हो गया ना, सो कला वाला ब्रह्मांड का शुरुआत हो गई, स्पेस यहाँ से बनी जी, ये सताई आत्मा ने स्पेस बनाई, सो कला वाला ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, नीचे 9 लाख परमधाम बन गए, तो समय शुरू हुआ ना। तो बाबू जी इसमें ब्लैक होल का क्या कोई सीन है इसके अंदर क्या? ब्लैक होल तो ये छोटा सा ब्रह्मांड का ब्लैक होल बनता है जी, ब्लैक होल तो जब सीन के अंदर पावर खत्म हो जाता है जी, तो सूर्य में प्रवेश करके अनंत कोटि में मतलब अपने ब्रह्मांड को वाइंड अप कर लेता है, काल अग्नि पैदा करके जी, कौन सी काल अग्नि, काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समा लेता है जी, तो उसको ब्लैक होल कहते हैं, महा ब्लैक होल है, गैलेक्सी है, सुपरमासिव ब्लैक होल बन रहे हैं ना, अगर अभी तो बोलते हैं व्हाइट होल है, तो जब किसी के अंदर भी ब्लैक होल कब होता है, जब कोई भी क्रिएटर जैसे शिव है क्रिएटर होता है, जब समय जाता है तो उसकी एनर्जी खत्म होती है। तो बाबूजी आज की डेट में भी यूनिवर्स के अंदर ऐसे ब्लैक होल बन रहे हैं और कितने ही यूनिवर्स जो है खत्म हो रहे हैं, कभी बन रहे हैं, तो उसके कंट्रोलर अभी कौन है, कौन कंट्रोल करता है, कौन ब्लैक होल बनाता है, और ये सब बातें बहुत इंटरेस्टिंग है, उसका अगर आप जवाब दे पाए तो। देखो छोटा यूनिट ब्रह्मांड है ना जी, जो एक सोलर सिस्टम हम कहते हैं, एक प्रकाश होता है, ठीक है, तो जब सीम में पावर खत्म हो जाती है जी, तब सीम सूर्य में प्रवेश करके जी काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समा लेता है, वाइंड अप कर लेता है, ठीक है, काल अग्नि की ग्रेविटी, तो मतलब ब्लैक होल बनता है, वो ब्लैक होल बनता है, ठीक है। ऐसी तरह गैलेक्सी के अंदर महाशिव के अंदर पावर खत्म हो जाता है जी, तो महाशिव महापरमधाम के अंदर प्रवेश करके जी अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है, ठीक है, तो महाकाल प्रलय कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये सुपरमासिव ब्लैक होल बन गया जी, महाकाल भी बन गया ना, महाशिव महाकाल कब बनता है, तो इसी को शास्त्रों में ये कल प्रलय अर्ध प्रलय और ये सब आज तो नित्य प्रलय अर्ध प्रलय चार युग होता है तो अर्ध प्रलय होता है जी, ऐसे ही 71 बार अर्ध प्रलय होता है, प्रलय होता है जी, इसको मनवंतर कहते हैं जी, ऐसे 14 मनवंतर पूरा होते हैं तो कल प्रलय होता है, तो कल प्रलय में भूलोक स्वर्लोक खत्म हो जाता है। पर बापू जी जैसे आपने बोला कि ये सब चीजें तो सिर्फ धरती पे लागू होती है, ऊपर पे ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड तो यहाँ इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है, तो आज की डेट में भी यूनिवर्स में ये सब हो रहा है, एक कंप्यूटर की तरह हो रहा है, यूनिवर्स भी बहुत समय के अंत में यूनिवर्स का जो परम महाशिव है मालिक जी, उसके अंदर भी जब पावर खत्म हो जाए पूरा यूनिवर्स वाइंड अप कर लेगा। ये बात तो सही है कि जब ब्लैक होल बनता है तो जब समय और शक्ति दोनों खत्म हो जाती है उसके अंदर जाते हैं, ब्लैक होल माना काल अग्नि का पैदा करता है, कोई भी रचयिता जी चाहे शिव हो चाहे महाशिव हो चाहे परमाशिव हो चाहे परमाशिव हो चाहे सौ कला वाला ब्रह्मांड, उसने भी तो वाइंड अप कर लिया जी, पहली बार वाइंड अप किया था दूसरी बार बनाया जी, क्यों किया, क्योंकि उसके पास पावर खत्म हो गई, उसको परिवर्तन की शक्ति नहीं थी, इसलिए जब परिवर्तन की शक्ति नहीं हो पावर खत्म हो जाए तो ये सेंटर पॉइंट में रहकर काल अग्नि पैदा करेगा और सारा अपने अंदर सब समा लेगा, जैसे महाशिव ने महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने अंदर वाइंड अप कर लिया जी। तो ये बेहद का प्रलय क्या है, बेहद ये इसको कहेंगे, बेहद का महाकाल प्रलय, क्या कहेंगे, बेहद का महाकाल प्रलय, बेहद का महाकाल प्रलय, अगर इनको नहीं बचाएंगे तो बेहद का महाकाल प्रलय करके खल खा सकता था, मगर अभी इस ब्रह्मांड में आकर बेहद का बाप आया कर आकर इस ब्रह्मांड को पूरे मल्टीवर्स को जी पूरा सौ कला वाला ब्रह्मांड पूरे मल्टीवर्स को तत्वों से परम तत्वों में चेंज करना है, मृत्यु लोक से अमर लोक चेंज करना है, जितने भी सोलर सिस्टम है वहां परम तत्वों की दुनिया बनाना है। तो बाबू जी आपने जो बताया कि 2050 में जब पूरी परम तत्व की दुनिया बनेगी, ऊपर से परम तत्व सब योग द्वारा ऊपर से खींच के धरती पर लाएंगे, तो उस पावर से जो है ये विनाश मतलब वो ब्लैक होल नहीं बनेगा और हमारा जो समग्र संसार जो भी हम देख रहे हैं इस विजिबल आंखों से ये सब विनाश नहीं होगा, पर ये परिवर्तित हो जाएगा, किसी को दुख का अनुभव नहीं होगा और परम तत्वों में हम वापिस जाएंगे, यही आपका मेन फोकस है। देखो मैं पहले भी बताया है वीडियो में जी परिवर्तन कैसे होगा जी, तो 108 यहाँ मनुष्य अवतार में बेहद के विश्व के बीच पहले यहाँ भेजे हुए थे जी, बेहद के बाप ने जी परिवर्तन करने के जी, मगर आप धरती पर आकर परिवर्तन नहीं कर पाए, इसलिए वो खुद आया जी, बोला ना क्यामत के दिन पर खुदा ताला खुद आकर धरती से, तो अभी एक कल भी मैंने रात को टीवी में दिखा था जी, एक बहुत फेमस आदमी है जो बताता था जी कि ये जो IAS वाले जो है ना ये आतंकी जो बड़े ग्रुप है जी, वो ये कहता है कि क्यामत का दिन शुरू हो गया है, उसने कल बताया
कल ही मैंने रात को टीवी देखा था जी, हिस्ट्री चैनल था शायद जी, तो क्यामत का दिन शुरू हो गया। वो कहते हैं सारे मैसेंजर, जितने भी मैसेंजर हैं, सभी मैसेंजर ने बोला कि क्यामत के दिन पर खुदा ताला नूर सब से धरती पर आकर कब्र से उठा कर ले जाए, तो कौन सा खुदा ताला? तो बेहद का खुदा ताला है। और क्या करें, कहां खुदा ताला रहता है? सात आसमान से परे, तो कौन से सात आसमान? तो ये सब बेहद की बातें हैं। इसलिए जो ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं उनको ये वाक्य पता है कि बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद के विश्व का मालिक बनाता है जी। तो जो बेहद के विश्व में 108 बीज मिल जाएंगे तो उचित उस परम धाम से पावर उतारेंगे, पावर उतार कर धीरे 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 एक हमारा ब्रह्मांड बदलेगा, फिर गैलेक्सी बदलेगी, फिर यूनिवर्स बदलेगा, ग्रेट यूनिवर्स बदलेगा, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स बदला, पूरा मल्टीवर्स बदल जाएगा और सब परम तत्व। तो बाबू जी, जैसे आपने पहले भी बताया कि अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग जगह पे आत्माएं बैठी हुई है और वो सब चिल्ला रही है, क्या ये जो जिन्होंने भी सोलर सिस्टम बनाया था, क्या गैलेक्सी बनी है, तो क्या किसी ने बनाया है ना? जी बनाया, बिना बनाए तो जैसे ग्रह बनाए तो बुध ने बुध बनाया, शुक्र ने शुक्र, तो ग्रह बने हैं, गैलेक्सी बनी है, यूनिवर्स बना है, जो भी चीज बनी है वो कोई किसी ने बनाया ना, बिना कोई सोच से बने हैं क्या? तो बाबू जी आपने बोला था ह्यूमन पॉपुलेशन भी दूसरे ग्रहों में है, वो भी बेहिसाब हर ग्रह में भी है, हमारा ब्रह्मांड में सूक्ष्म मौसम में भी है, देवता तीन लोग में ऊपर रहते थे ना जी, तो इसके ऊपर चौथा नहीं है, महालोक जनलोक तपलोक जी, वो तीन तत्वों की दुनिया है, इससे ऊपर विष्णुपुरी वहां भी है, शिवपुरी परमधाम, परमधाम में निराकारी आत्मा है, गैलेक्सियों में भी है, गैलेक्सी के बीच में सेंटर पॉइंटों में बहुत सात लेयर। क्या वो लोग इस ब्रह्मांड को बदलने के लिए कोई पुरुषार्थ कर रहे हैं? उनके पास पावर नहीं है, इतना बड़ा मल्टीवर्स को कौन बदल सकता है जब इसका मालिक भी नहीं बदल सकता? अब वो बदल नहीं पाया तो ये जाके फिर अपने बाप के 101 कला वाले के पास जाके वहां बैठा है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ बदलने का कार्य अब बेहद का बाप कर रहा है। कौन कर रहा है? बेहद का बाप कर रहा है, पूरे मल्टीवर्स को बदल रहा है, इसलिए वो आराम से 101 कला में जाकर देख रहा है, देख कर ये कह रहा है कि ऐसा ही हुआ तब मैंने पहले वाइंड अप कर लिया है, अभी ये ब्रह्मांड को कोई चेंज नहीं कर सकता, इसलिए उसको पूरा वाइंड अप कर लेना चाहिए, वो ये कह रहा है, सलाह दे रहा है ऊपर से। अगर हम कहते हैं परिवार तो बेहद का बाप करेगा, बेहद का बाप तो जो सारा ऑलमाइटी अथॉरिटी मुझे विजन द्वारा दिखाता है, बहुत कुछ दिखाता है, तो अभी 1% भी आपको नहीं दे रहा, अभी तो कुछ भी नहीं दे रहा, इतना बेहद का ज्ञान है, बेहद का विश्व का ज्ञान है। जैसे 101 कला में 100 कला के खरबों मल्टीवर्स हैं, ऐसे बेहद के विश्व की बातें अभी नहीं करूँगा, समय आएगा तब करूँगा, आज इतना ही कहूँगा, आज इतना ही करूँगा परमेश्वर। चले बाबू जी, बहुत बढ़िया आपने समझाया, और मैं अपने व्यूअर को भी ये बोलना चाहूँगा, अगर आपको कहीं पर भी अगर आपको समझ ना आए तो एक हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स का वीडियो है, दो पार्ट में, पार्ट वन पार्ट टू, जो कि हमने काफ़ी टाइम पहले रखा हुआ था, इसकी लिंक भी मैं नीचे डाल दूँगा इस यूट्यूब के वीडियो के नीचे, तो आप सबसे पहले वो देखें, इसके बाद ये वीडियो देखना शुरू करें, ताकि आपको एकदम क्लैरिटी आ जाए कि बापू जी कौन से ब्रह्मांड की, कौन से लेवल की बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, और इस विश्व को बदलने के लिए सब आत्माओं का बापूजी आह्वान करते हैं। परम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।